हाय एवरीवन, आप लोगों ने हमें पीजी दिव्या ऑफिशियल पे बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गाइस, जैसा कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग व्लॉग्स अपलोड करो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियो अपलोड करो, तो गाइस हम लोगों ने आपकी बात सुन ली और हमने अभी नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पीजी दिव्या व्लॉग, जहां पर हम लोग हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड वीडियोस, ट्रैवलिंग व्लॉग्स, सारी चीजें यहां पर अपलोड करेंगे। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लो और बाकी के वीडियो स्टोरीज और लव वीडियोस एंड मूवीज वगैरह देखने के लिए पीजी दिव्या ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। लव यू ऑल। गाइस, आपको ये स्टोरी देखना है तो जल्दी से आ जाओ। Hey, what's up guys? So guys, हम लोग का एक बहुत ही अच्छा मूवी आ रहा है, इसका नाम है लक्ष्मी, जिसकी शूटिंग आज से स्टार्ट हो रही है। श्री गणेश हम लोग आज से कर रहे हैं, तो देखते कितना मजा आता है। बहुत ही सीरियस स्टोरी है और मैं इसमें एक गांव का लड़का बना हुआ हूँ। देखो मेरी जीन्स पैंट दिख रही होगी आपको, और हमारे ये बाप का रोल निभा रहे हैं और भाई साहब हमारा शूट कर रहे हैं यहाँ पे। और दिव्या यहाँ पे बहुत ही एक गांव की सिंपल लड़की आप देख सकते हो। डिक्कू भाई इसमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। यहाँ पर ड्रोन वोन जितने फ्लाइंग शॉट आप देखोगे सब ये अपने डिक्कू भाई बनाएंगे। और लक्ष्मी, क्या हुआ लक्ष्मी, तुम रो क्यों रहे हो? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या हुआ तुम्हें, बोलोगे? मेरे पापा ने मेरा प्यार कर दिया। अपने को बोला लड़ना बंद करो, तीन घुमा रहे हैं यार। सो ऑल राइट गाइज, सो आज का शूट कंप्लीट हो गया है। देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, मतलब बहुत ही गांव वाला दिखाऊं मैं इसमें, रोना धोना एंड ऑल। टीम बहुत सपोर्टिव टीम है, सचिन डिक्कू एंड अपने पड़ा पड़ोली जिसको बोलते विनोद भाई, बहुत ही ज्यादा उनका। ए दिव्या, इधर नहीं, इधर इधर, वो देखो कैसे भाग के जा रही है हमसे दूर, इधर आओ। तो सारा शूट बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पे केरल जैसा दिखता है, साउथ में जैसे अभी भी अपना नावेद देखो वहाँ पे बिल्कुल पैकअप की तैयारी में है। अरे आज भी पहली बार ऐसा हुआ है कि शूट में घिरा नहीं है ये, और ऐसी डेंजर जगह पे, तो बहुत ही अच्छा शूट रहा। दिव्या वहाँ पे क्या कर रहे हो? हम सब यहाँ पे खड़े अकेले अकेले जाने की सोच रहे। ये साइकिल की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ये भाई लोग हमारे गाँव के है जो हमने सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इधर आज सेकंड डे है हमारी मूवी का, शूट स्टार्ट हो चुका है। अभी मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं और सब लोग अभी रेडी हो रहे हैं। सो अभी तो शूट होने स्टार्ट होने में अप्रोक्सीमेटली एक घंटा और लगेगा, बिकॉज हम लोग इन्होंने माँ का रोल किया है और हमारे भाई साहब अभी रेडी हो रहे हैं अंदर। ये बिल्कुल बाप के रोल के लिए तैयार है, लेकिन हरकतें एकदम छिछोरे वाली है, बाप दिखता नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। कैसा लग रहा हूँ मैं, मेरा लुक मतलब थोड़ा अलग ओल्ड टाइप का बनाया मैंने तो, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है? सब छोड़ो, सापा बनवाओ फटाफट, टाइम कम है अपने पास। ये शूट लोकेशन हमारी, क्या अंकल जी, हां ये बाप, कोई बात नहीं, ये बाप बाप का बाप। नहीं हो सामान को नहीं हो। ये माँ बेटी का प्यार यहाँ पे चोटियाँ बना रहे, और मैं मेकअप कर रही हूँ। अभी फांसी वाला सीन यहाँ पे शूट होने जा रहा है, उसके लिए स्ट्रगल हो रहा है, ये सेटअप लग रहा है। ठीक है, फैन बीच में आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मेहनत से वीडियो बनी जा रही है, बहुत ही ज्यादा मेहनत है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं इस सीन के लिए। लक्ष्मी
सो गाइज आज हम लक्ष्मी मूवी का शूट कर रहे हैं, तीसरा दिन है, हम लोग उदयपुर के लिए निकल रहे हैं और देखते हैं अब आज के दिन में मूवी कंप्लीट हो जाएगी, कुछ ही दिन में आपके पास आ जाएगी। सो बाय बाय। सो ऑल राइट गाइज, आज थर्ड डे है लक्ष्मी मूवी के शूट का, हम लोग ये सेट पे हैं, हम लोगों ने आज थर्ड डे भी कंप्लीट कर लिया है। अब एक टीम की टीम है पूरी, जो कुछ बैक आर्टिस्ट है, कुछ फ्रंट आर्टिस्ट है, और अब हम लोगों ने यहाँ पे शूट कर लिया कंप्लीट, अब उदयपुर के लिए निकल रहे हैं, वहाँ का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाय, लव यू ऑल। ये हमारे विनोद भाई बाप का रोल करा इनने, शकल देखो जवान में आ गया हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बाप ही लग रहा है इनको, बहुत मारा है सर के दीवारों पे, दीवारों पे नाम तेरा, तेरा नाम तेरा, कम बजट का इमेज है अपना, ₹100 तेरा तेरा 5 रुपया, एक ही गाना आता है इस आदमी को, सारे ब्लॉग में यही गाना सुनाया है। सो गाइज हम लोग आज बहुत ही बड़ा प्रैंक करने जा रहे हैं हमारे विनोद भाई के साथ में। गाइज ये प्रैंक ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम हमारे दोस्त के साथ में कॉल करवाएंगे इंदौर से DSP बनके, जो विनोद भाई को फ़ोन करेगा और बोलेगा कि आपने लड़की को छेड़ा है और वो लड़की की रिपोर्ट आई है, उसने FIR करवाई आपके नाम से, तो आपको इंदौर आना पड़ेगा, ऐसे करके उसको कुछ थ्रेट्स देगा और उसको धमकियां देके मतलब उसको डराएगा। तो विनोद भाई की रिएक्शन देते हैं। और गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, विनोद भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, फैमिलियर बंदे हैं, ऐसे वैसे बंदे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैंक है, तो उनके रिएक्शंस देखते हैं कि क्या होते हैं। बाय बाय। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला कि लड़की को छेड़ा, मतलब कौन से किसी का नाम तो होगा ना, कोई लड़की तो होगी ना, यूँ कोई छेड़ा, मैंने फोन किया, मैंने फोन, हाँ तो देखा देना कोई बात नहीं, मैंने हाँ मैं तो सादा सीधा आदमी हूँ एकदम, मैं क्या गाँव का, मैं गाँव वाला हूँ, मैं कहाँ से, बीवी बच्चे वाला हूँ, मैं गाँव का, ये लाइव लोग है उदयपुर का लगा दो आप, अरे वो ना मैं तो बीवी बच्चे वाला हूँ भाई साहब, मेरे को मत परेशान करो, बोलो प्रॉपर उदयपुर में, प्रॉपर उदयपुर में हूँ, ये भी क्या कौन सा FS उदयपुर FS FS गाली तो नहीं दी ना विनोद भाई, स्टार्ट में गाली दी, तुमने ऐसे की कोई भी ऐसी लड़की को कोई फोन मैसेज कर, किसी को भी नहीं किया पक्का, किसी को भी नहीं, पिछले एक महीने में, एक महीने क्या पूरे पूरी जिंदगी में नहीं किया जिंदगी तो फिर ऐसा कैसे बोल रहा है कि तुम किसी लड़की को परेशान कर रहे हो, आदमी चुतिया बना, तो तुमने ऐसे किसी लड़की को फोन वोन लगाया था क्या, किसी को नहीं लगाया, तुम्हारे सामने तो हूं साथ में, तो किसी को लगाया और 100% मेरा नाम भी लिया उसके सामने, पुलिस वाले के सामने तो मेरा नाम क्यों ले रहे हो, लगने हो गया, तुम्हारा तो पहले फोन आया था ना वो, अरे वो लड़का अलग है, वो छोटा बच्चा है, अरे यार ये हमारा फोन देख लो, वो नंबर मैच करवा लो इसके फोन से, हाँ लो नंबर मैच कर लो, नहीं किसी को हर्ट किया हो तुमने, ए रोशनी ओए तेरे से मजाक मस्ती करी, वो भी इंदौर से, तो तेरे से मजाक मस्ती करी, तू तेरी करवा, अरे मैं इसलिए मजाक कर रही हूं ताकि इन पे ज्यादा बर्न नहीं पड़े, लोड नहीं पड़े, अरे मतलब आपने साथ शूट करे प्रॉपर, अरे पर तुम तो नहीं करा रहे हो, सुन मेरी बात सुन, तेरे को तेरे से मजाक करते ही है, क्यों सही रहते ना, अरे पर तुम तो नहीं करवा रहे हो, रोशनी तू तो फिर की नहीं ले रही कहीं, अरे मेरे क्या लेना देना विनोद भाई से, ऐसी चीजों में क्या नहीं भाई, रोशनी ऐसी मजाक तो नहीं करेगी, ठीक है अगर तेरे अगर किसी को छेड़ा हो ना तो उसका नाम बता, उसकी रिकॉर्डिंग बता, उसके बाद फोन कर, ठीक है, हाँ तो इसको प्रूफ तो होना चाहिए ना, ऐसे ऐसे मैं इंदौर कभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंदौर, अरे भोसड़ी के गालियाँ क्यों दे रहे हो तुम, हाँ किस, हाँ मैं उदयपुर में, गाली मत दे पहले तो इसको, गाली मत दे, देखो कोई भी बात को गाली मत दो, पहले देख लो आप,
गाली मत दे, जो बात करनी इज्जत से कर, गाली मत दे। हाँ, गाली मत दो। हाँ नहीं तो तेरी तो फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। हाँ चालू ही रख रहा हूँ, चालू ही रखा फोन, चालू है। हाँ मेरा दिमाग खराब हुआ। कोई नहीं नहीं आप देख लो बंधन, मैं चालू ही फोन। क्या देख रहा है वो, क्या देख रहे हैं? उदयपुर में कहाँ पे हो अभी, मैं देख के फिर। अरे मत करो बेचारा, शादी शुदा आदमी है यार। पानी क्यों पी? उठा लो सुन मेरी बात करो। अरे भैया बहुत मजाक हो गया, आप बेचारे डर गए बहुत ज्यादा, हम आपके मजे ले रहे थे। हो गया भैया, हो गया बेचारे, रोने लग जाएंगे। रुको अब स्टार्ट है। लेकिन कोई डरे नहीं है, हम लोग कर रहे थे इनके साथ प्रैंक बेचारे, कल रात से सोए नहीं है, बट डरे हो, जो जो सही चाहिए होता है। कैसी लगी एक्टिंग और तुम्हारे साथ क्या हालत? मतलब विजय भाई ने जिसको भी ये ऑर्डर दिया था ये काम करना, मतलब कमाल की एक्टिंग कर रहा है। नाम ले तो दिखा दी, अवे सानू राजा। बाद ये मेरे आ रहा, राजा ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत ही अच्छी गालियां दी। और इस बंदे को मैं इंदौर जाके जरूर मिलने वाला हूँ, और मतलब उसको बोलूंगा कि मतलब भैया तुम्हारी कमाल की एक्टिंग है, मतलब बोल भी, मतलब ये व्लॉग डल रहा है, लेकिन आप इस इंसान को गलत मत समझना, ये बहुत सज्जन आदमी है, फैमिलियर आदमी है, बस हम लोगों ने छोटा सा प्रैंक किया था डराने के लिए, ठीक है? मतलब मैं जैसा उन्होंने सोचा इतना डराएंगे, लेकिन इतना डरा नहीं हूँ मैं। पार्टी के गले में आ गई। मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं। गाइस आपको ये स्टोरी देखना है तो जल्दी से आ जाओ।